अगर दिया 40 रुपए सैकड़ा है तो 80 पीस का दाम कैसे निकाले। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर कई अवसरों पर हमें यहाँ पर जो सैकड़े लिखा हुआ है उसके हिसाब से चीजें खरीदनी पड़ती हैं। जैसे कि आप मानिए कि दिवाली वगैरह पे जैसे पटाखे हो गए जो कि बहुत कम रेंज के आते हैं, तो वो सैकड़े के हिसाब से। इसके अलावा मोमबत्ती हो गया, उसके बाद जो दीपक जलाते हैं जो मिट्टी के दिए, ठीक है, उसी दिए की यहाँ पे बात हो रही है, और वो कितना है 40 रुपए सैकड़ा है। यानी कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि अगर हम मार्केट में चले जाएं तो अगर उनका दाम बहुत कम है तो वो सैकड़े के हिसाब से मिलती हैं, ठीक है। अब ऐसे में हम अगर हमें कम पीस का दाम निकालना है तो वो हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसका। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 40 रुपए अगर मैंने दिया तो हमें जो दिए मिलेंगे कितने मिलेंगे, 80 पीस मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज हमको बताया गया है, ये जानकारी हमको दी गई है। अब हमें यहाँ पर पूछ सकता है पीस के हिसाब से कि ठीक है यहाँ पर 150 पीस का कितना होगा, यहाँ पर पूछ सकता है 500 पीस का कितना होगा, या पूछ सकता है 225 पीस का कितना होगा, या पूछा जा सकता है कोई भी चीज यहाँ पर पूछा जा सकता है, ठीक है, 75 पीस का कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर जो भी पीस दिया होगा वो या तो 100 के ऊपर होगा या फिर 100 के नीचे होगा, ठीक है, दो में से एक चीजें होंगी। अगर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है तो ये जो पूछा जा रहा है पीस की संख्या, ये जो सैकड़े का हिसाब जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये 100 से अधिक भी हो सकता है और 100 से कम भी हो सकता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 80 पीस नहीं, ये 40 रुपए सैकड़ा है तो यहाँ पे 100 पीस होंगे, ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा इसके लिए। 40 रुपए में 100 पीस, और हमें यहाँ पर इन सब का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम दोनों ही तरफ से, जैसे देखिए यहाँ 40 लिखा हुआ है और यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 100 पीस लिखा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 0 से 0 हटा देंगे। जैसे ही 0 से 0 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 रुपए और यहाँ हो जाएगा 10 पीस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये हमारा जो पूछा जा रहा है अगर 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर, तो हमें क्या करना होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर 40 रुपए का 100 पीस है और यहाँ पर 500 पीस का पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी में 5 का गुणा कर देंगे। किसका गुणा करेंगे, ये जैसे 500 के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 के लिए, यहाँ पर 500 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो देखिए 40 रुपए सैकड़ा है, मतलब 40 रुपए में 100 पीस हमको मिल रहे हैं, यहाँ पर हम किसका गुणा करेंगे, यहां पर हम गुणा करेंगे 5 का। जब हम 5 का गुणा करेंगे तो 5 का ये जो 100 पीस है ये हो जाएगा 500 पीस, और यहां पर इसका दाम कितना आएगा, तो 4 पंजे 20 और 1 जीरो, 200 रुपए के होंगे 500 पीस। अब देखिए यहां 225 पीस पूछा है, 225 पीस, तो देखिए अगर 225 पीस पूछा है तो इसका भी आधा कर दीजिए, 2 रुपए में मिलेंगे 5 पीस, ठीक है। अब यहां पर देखिए 225 है तो 225 पीस का निकालने के लिए आप इसको तोड़ दीजिए, तो यहां देखिए 200 प्लस 20 प्लस 5 होगा कि नहीं, 200 और 20 और 5 में हमने इसको तोड़ दिया है। अब हम यहां पर अलग अलग इसका अपने इस हिसाब से लिखेंगे, तो देखिए जब 40 रुपए का 100 पीस तो यहां 80 रुपए का 200 पीस, तो यहां हो जाएंगे 80 रुपए, ठीक है। अब देखिए 10 पीस हैं 4 रुपए के, तो 20 पीस कितने हो जाएंगे, 8 रुपए, और यहाँ 5 पीस 2 रुपए के हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, 80 और 8 88 और 2 90 रुपए, ठीक
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 90 रुपए में 225 पीस हमारे आएंगे, अगर ये हिसाब 40 रुपए सैकड़े का है तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 150 के लिए बोला गया है, तो 150 का भी बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे हम 150 को हम ब्रेक कर लेंगे 100 में और 50 में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये पीस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 100 पीस का कितना हो गया 40 रुपए, और जब 100 पीस का 40 रुपए हो गया तो 50 पीस का यहाँ पर हो जाएंगे 20 रुपए, और टोटल यहाँ पर आ जाएंगे 60 रुपए, कंफर्म है। तो देखिए इस तरह से अगर ऊपर है तो ऊपर वाला भी हम निकाल सकते हैं, और नीचे है तो नीचे वाला भी हम निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 75 है, ठीक है। तो 40 पीस के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 पीस के लिए हमें यहाँ पर ये जो है ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 10 पीस का 4 रुपए है तो 40 पीस के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दहा में 40 पीस, और ये कितने के आएंगे 400 का 16 रुपए के आएंगे, ठीक है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हो गया। अगर 75 पीस है तो इसको भी ब्रेक कर लीजिए, 75 बराबर 70 प्लस 5, चलिए अब इसमें हम 7 का गुणा करेंगे, यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 रुपए यहाँ पर हो जाएंगे 70 पीस के लिए, और यहाँ पर 5 पीस का कितना है 2 रुपए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 30 रुपए, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 80 पीस का दाम, ये सारे हम लोगों ने जब एग्जाम्पल कर लिए, तो अब 80 पीस का दाम तो हम बहुत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 8 का गुणा करना पड़ेगा, 8 सौ का हो जाएंगे 32 रुपए, और यहाँ 8 दाम में 80 पीस, तो ठीक है। इस तरह से हम अपने ऐसे सवालों के आसानी से हिसाब निकाल सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर एंट्री जानना चाहते हैं तो इसकी कैलकुलेटर एंट्री भी बहुत ही आसान है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए कैलकुलेटर ट्रिक में हमें यहाँ क्या करना होगा, कैलकुलेटर ट्रिक, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोगों को रुपए निकालना है, क्या निकालना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले भाव के रुपए यहाँ पर एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ डिवाइड लगाएंगे 100 से। ये कब करेंगे, जब हमें सैकड़ा के हिसाब से भाव बताया जाएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे 100 एंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ गुणा लगाएंगे, और यहाँ जितने भी पीस हमको चाहिए वो पीस हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट एंट्री करते हैं 150 पीस के लिए। तो देखिए भाव कितना है 40 रुपए, डिवाइड लगाएंगे, यहाँ 100 एंटर करेंगे, गुणे यहाँ 150 है, कितना आएगा, ये आया है देखिए 60 रुपए, ठीक है। अगर हम 500 पीस का निकालें तो 40 यहाँ डिवाइड लगाएंगे, सैकड़ा है तो 100 गुणे यहाँ 500 एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 200 रुपए। यही अगर हम यहाँ पर 40 भागा 100 गुणे यहाँ पर अगर हम 225 करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 90 रुपए। ऐसे ही यहाँ पर हम 40 भागा 100 इंटू 40 करेंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे 16 रुपए, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 40 भागा 100 गुणे अगर हम 75 पीस का निकालेंगे तो यहाँ आएंगे 30 रुपए, और जो हमारा क्वेश्चन हमें पूछा गया है 80 पीस का, तो यहाँ हम करेंगे उसके लिए ये आ जाएगा 32। तो इस तरह से हम मोमबत्ती हो चाहे क्रैकर्स यानी कि पटाखे हो या फिर दिए हो, हम उनका पीस के हिसाब से दाम आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।